दक्षिणी पूर्वी जिले की एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड टीम ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के पास से 5 पिस्तौल और भारी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों की कालकाजी होंडा स्क्विक कार में घूमते थे और गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान गोविंदपुरी निवासी सेरा मोहम्मद, मोहम्मद अजीम और करीम के रूप में हुई है। ये तीनों ही गोविंदपुरी में रहते थे। इनके ऊपर पहले से ही 36 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें, पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि 16 अप्रैल को पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि हथियार तस्कर कालकाजी और गोविंदपुरी इलाके में सक्रिय है, और उसके बाद पुलिस ने गोविंदपुरी इलाके में घर पर दबिश दी और वहाँ से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 5 पिस्तौल के साथ साथ भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। तस्वीरें हम आपको गोविंदपुरी की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें दक्षिणी पूर्वी जिले की एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड टीम ने इन अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है।